नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल GS स्टडी पॉइंट पे। आज के वीडियो में हम देखेंगे जो प्राचीन भारत की जो क्लास चल रही थी उसके अध्याय नंबर 11 को देखेंगे। ठीक है, तो इस वाले अध्याय में हम पढ़ेंगे जो है जनपद राज जो थे, जनपद जो थे उनका अस्तित्व में आने कैसे आए थे, कौन कौन से प्रमुख जनपद थे और पहला जनपद कौन था। तो पहला जो है जनपद जो है वो क्या था, मगध साम्राज्य था। ठीक है, तो देखिए एनसीईआरटी में जो है सबसे अच्छी बात क्या होती है, एनसीईआरटी से ही जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कभी किसी प्रश्न पर अगर कोई विवाद होता है तो एनसीईआरटी का जो स्रोत होता है वो उसको मान्यता दी जाती है। ठीक है, और इसमें क्या है, मेरा प्रयास यह रहेगा कि सरल भाषा में आपको समझाना, क्योंकि एनसीईआरटी जो है ये इंग्लिश में जो है ओरिजिनल बनती है और उसका हिंदी में ट्रांसलेशन किया जाता है, तो कुछ शब्द होते हैं हिंदी के जो थोड़ा कठिन होते हैं, तो उनको हम जो है सरल भाषा में बताने का प्रयास करेंगे। और दूसरी बात क्या है, यहाँ पे मैं बताऊँगा कि आपको कौन सा जो है फैक्ट यानी कि तथ्य जो है वो महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, तो वो आपको बताऊँगा, आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि बार बार एनसीईआरटी पढ़ने का समय नहीं होता है। इसलिए जो है जो जो फैक्ट आपको बताऊँगा महत्वपूर्ण, उनको आप इसको नोट डाउन जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं वीडियो में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ईसा पूर्व छठी सदी में। ठीक है, ईसा पूर्व छठी सदी से पूर्वी जो है, पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र हो गया और पश्चिमी बिहार में क्या हो गया, लोहे का जो है व्यापक प्रयोग होने से, यानी इस एरिया में जो वर्तमान समय का जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र हो गया और पश्चिमी बिहार का जो क्षेत्र हो गया, उस क्षेत्र में क्या हुआ, लोहे यानी कि लोहे का व्यापक स्तर पर क्या होने लगा, प्रयोग होने लगा। ठीक है, यानी कि लोहे के औजारों का इस्तेमाल होने लगा, बड़े बड़े प्रादेशिक, अब इससे होने से क्या हुआ, लोहे के प्रयोग होने से बड़े बड़े प्रादेशिक या फिर जनपद राज्यों के निर्माण के लिए उपयुक्त परिस्थिति बन गई थी। मतलब लोहे के हथियारों के कारण योद्धा वर्ग महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने लगे, यानी युद्ध लड़ते थे तो उनको क्या बोलेंगे, हम योद्धा वर्ग बोलेंगे, तो उनकी जो है महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने लगे जो लोहे के हथियार थे, क्योंकि लोहे के हथियार जो होते थे बहुत ही मजबूत होते थे। ठीक है, खेती के नए औजारों और उपकरणों की मदद से जो है किसान आवश्यकता से अधिक अनाज पैदा करने लगे। अब देखिए ये जो क्षेत्र था वहां पर क्या कैसी जलवायु थी, मानसूनी जलवायु थी, यहाँ पर बहुत अधिक वर्षा होती थी। ठीक है, तो ऐसे में यहाँ पे क्या पेड़ों के क्या थे, जंगल थे, यानी कि घने जंगल थे इस क्षेत्र में। अब कठोर लकड़ी के पेड़ थे, इन कठोर लकड़ी के पेड़ों को काटने के लिए जो है लोहे का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, लोहे के औजार, तो लोहे के औजार से क्या है, इस क्षेत्र के जो पेड़ थे उनको काट करके खेतों का निर्माण किया गया और फसल का क्या किया गया, उत्पादन किया गया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, यहाँ पे जो है इस क्षेत्र में जो है बारिश तो होती ही थी, यहाँ पर अच्छी मिट्टी थी यहाँ पर, जिससे क्या हुआ ज्यादा मात्रा में अनाज पैदा होने लगा। ठीक है, अब अनाज पैदा होगा तो उससे क्या होगा, इन जनपदों का क्या होगा, विकास होगा। अब राजा जो है अपने सैनिक और प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए इस फाजिल का मतलब जो एक्स्ट्रा हुआ, जो बच गया अनाज को बटोर सकता था, यानी कि ले सकता था। यह फाजिल अनाज उन शहरों को भी मिल सकता था जो ईसा पूर्व छठी पांचवी सदियों में क्या था, उदित हुए थे, यानी कि स्टार्ट हुए थे वहां पे बनना। इन भौतिक लाभों के कारण जो है किसानों को अपनी जमीन से चिपक जाना, यानी कि वहां पर आपको जाहिर सी बात है ज्यादा मात्रा में कहीं पे अनाज अगर होगा तो किसान क्या चाहेगा कि हम वहीं पर रहना स्टार्ट कर दें, आगे इधर उधर भटके ना। ठीक है, तो वही है कि इन भौतिक लाभों के कारण जो है किसान जो है अपनी जमीन से क्या था, चिपक जाना, यानी कि वो वहीं पर रहना चाहते थे। ठीक है, फिर साथ ही वे अपने पड़ोस के क्षेत्रों में भी जमीन को हड़प कर फैलने लगे। ठीक है, यानी कि आसपास की जमीन जो थी उस पर भी जो है कब्जा करके जो क्षेत्र का क्या करने लगे, विस्तार करने लगे। शहरों को अपने कार्यकलाप का आधार बनाकर राज्यों को खड़े होते देख लोगों में क्या है, प्रादेशिक भावना प्रबल हुई, यानी कि जो शहर थे उनके जो अपने खुद के जो कार्यकलाप यानी जो एक्टिविटी होती थी उनको आधार बना करके जो है राज्यों को खड़े होते देख
यानी कि राज्यों का विस्तार होते देख जो प्रादेशिक भावना यानी कि ये क्षेत्र हमारा है इस टाइप की जो है प्रादेशिक भावना प्रबल हुई, मजबूत हुई। लोगों की जो प्रबल निष्ठा अपने जन, जन का मतलब क्या होता था, जन का मतलब होता था जो उनके अपने लोग हैं, कबीले थे, ठीक, या फिर कबीले के प्रति थी, वह अब अपने जनपद यानी कि जन से क्या बन गया, अब जनपद यानी बड़े क्षेत्र तक विस्तार हो गया, या स्वयं संबद्ध भूभाग के प्रति हो गई, यानी जिस एरिया पर रहते थे उसके प्रति उनकी क्या होगी, निष्ठा जो है मजबूत हो गई। ठीक है, चलिए अब महाजनपद देख लेते हैं। तो बुद्ध के समय हम जो है 16 बड़े बड़े राज्य पाते हैं। ठीक है, तो जब बुद्ध का समय था यानी कि उनके टाइम पीरियड था, तो उस समय जो है उस क्षेत्र में जो है 16 महाजनपदों के जो है बात मिलती है, जो महाजनपद कहलाते थे। इनमें जो है अधिकतर राज्य विंध्य यानी जो विंध्य पर्वत है, ठीक है, जो विंध्य पर्वत के उत्तर में थे और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत से बिहार तक फैले हुए थे, यानी कि पश्चिमी हिस्सा हो गया वहां से लेकर के पश्चिम उत्तर के जो क्षेत्र थे उससे लेकर के बिहार तक ये क्षेत्र जो है क्या फैला हुआ था, महाजनपद वहां तक फैले हुए थे। इनमें मगध हो गया, कोसल, नाम पता होना चाहिए इन जनपदों का, ठीक है, मगध हो गया, कोसल हो गया, वत्स हो गया और अवंती, ये चार शायद अधिक शक्तिशाली थे। तो कभी भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा सकता है कि जो है मगध, कोसल, वत्स और अवंती जो कैसे थे राज्य, शक्तिशाली राज्य थे उस समय के। ठीक है, तो ऑप्शन में कोई अगर दूसरा दे दिया जाता है तो वो गलत माना जाएगा। यही मुख्य रूप से मजबूत राज्य थे उस समय के, मजबूत जनपद थे, कौन कौन से, मगध हो गया, कोसल हो गया, वत्स हो गया और अवंती हो गई। फिर पूरब से शुरू करने पर पहले अंग जनपद था, यानी कि सबसे अगर हम स्टार्टिंग में भार देखते हैं तो सबसे पहले कौन सा पड़ेगा, पूर्व में पड़ेगा अंग, तो अंग जनपद सबसे इधर पड़ेगा यानी कि बिहार के पूर्वी क्षेत्र में पड़ेगा, जिसमें क्या है आधुनिक मुंगेर और भागलपुर जिले पड़ते हैं। तो वर्तमान समय में हम अगर जानना चाहते हैं कि अंग जो जनपद था कहाँ पर स्थित था, तो वर्तमान समय जो में बिहार का मुंगेर क्षेत्र है और भागलपुर का क्षेत्र है, वहीं पर जो है अंग राज्य या फिर अंग जनपद का क्या था, विस्तार था। ठीक है, इसकी राजधानी क्या थी, चंपा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, ये नोट कर लीजिए, अंग की राजधानी कौन थी, चंपा। ठीक है, पता होना चाहिए आपको अंग की राजधानी कौन थी। फिर जहाँ ईसा पूर्व छठी सदी से आबादी होने के प्रमाण मिलते हैं, यानी कि वहाँ पे जो है छठी सदी से ही जो आबादी होने के प्रमाण मिलते हैं, यहाँ 5वीं सदी ईसा पूर्व के लगभग का मिट्टी का किला मिला है। अंततोगत्ता यानी कि अंत में अंग जनपद को पड़ोस के शक्तिशाली मगध राज्य ने अपने में मिला लिया, यानी कि यहाँ पर जो है अंग के पास में ही जो मगध साम्राज्य जो था, ठीक है, जो बिहार में ही है, तो मगध साम्राज्य ने क्या कर लिया, इस पे कब्जा करके इसको जो है अपने में मिला करके मगध साम्राज्य का क्या किया, विस्तार किया। ठीक है, तो जो फैक्ट यहाँ से निकल करके आया, पहला फैक्ट नोट कर लीजिएगा कि ये जो चार जो हैं जनपद थे ये सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अधिक शक्तिशाली थे। दूसरा फैक्ट यहाँ पर नोट करने वाली बात क्या थी, जो राजधानी थी अंग की वो क्या थी, चंपा थी, तो इसको नोट कर लीजिएगा आप। ठीक है, और तीसरा फैक्ट ये है कि अंग का जो है मगध में विलय कर लिया गया, यानी कि उसको मिला लिया गया था, ये चौथा फैक्ट आ जाएगा आपका। चलिए आगे देख लेते हैं, मगध में जो है आधुनिक पटना, यानी अगर हम बात करते हैं कि मगध साम्राज्य कहाँ पे था, तो जो वर्तमान समय का जो पटना का क्षेत्र हो गया और गया जिला है और शाहाबाद का कुछ हिस्सा, तो इस क्षेत्र में जो है मगध का जो है साम्राज्य का विस्तार था। ठीक है, यह अपने समय का सबसे प्रमुख राज्य बन गया। तो जब 16 जनपद थे, अगर 16 जनपदों में हम पूछे कि सबसे सबसे मजबूत राज्य कौन था, मजबूत जनपद कौन था, शक्तिशाली कौन था, तो मगध था वो। ठीक है, गंगा के उत्तर में आज के तिरहुत प्रमंडल में, तो तिरहुत प्रमंडल है बिहार में वज्जियों का राज्य था। ठीक है, तो गंगा नदी ऐसे निकलती है, तो गंगा नदी ये मान लो निकली है, तो ये दक्षिणी हिस्सा हो गया और ये उत्तरी हिस्सा हो गया, तो इसके उत्तरी हिस्से में क्या था आपको, वज्जियों का राज्य मिलता है। ठीक है, तो वज्जी संघ था, उनका राज्य कहाँ था, गंगा नदी के उत्तर में। यह 8 जनों का संघ था, यानी 8 जो जन थे, कबीले मान सकते हो उनको, तो यह 8 जनों का क्या था, संघ था, यानी कि 8 जन 8 कबीलों ने मिल करके जो है वज्जी संघ का या फिर वज्जियों का वज्जी वज्जी का वज्जी राज्य का स्थापना की थी उसने। ठीक है,
इनमें सबसे प्रबल लिच्छवी भी थे, यानी कि 8 लोग जो थे, 8 लोगों ने मिलकर के एक संघ बनाया था, ठीक है। उसमें अगर हम पूछते हैं कि सबसे मजबूत कौन राजा था, तो लिच्छवी थे, ठीक है। तो लिच्छवी जो है इनमें सबसे मजबूत थे, और इनकी राजधानी कौन थी, वैशाली थी। तो ये भी फैक्ट नोट कर लीजिए कि जो लिच्छवी थे और उनकी राजधानी की थी क्या थी, वैशाली थी, ठीक है। और जिसकी पहचान क्या था, आधुनिक वैशाली जिले के बसाड़ नामक गांव से की जाती है। अगर वर्तमान समय में बात करते हैं कि वैशाली जिला कहाँ मिलेगा, तो वर्तमान समय में जो वैशाली के नाम पे ही जिला है, और वहाँ पे एक जगह का नाम है, गांव का नाम है बसाड़, तो वहाँ से जो है उसकी तुलना की जा सकती है, यानी वहाँ पे ये बसा हुआ था पहले। फिर पुराण जो है वैशाली को अधिक प्राचीन नगरी बताते हैं, जो पुराण है हमारे, तो उसमें जो है वैशाली के बारे में जो लिखा हुआ है, तो क्या बताया गया है, वैशाली को सबसे अधिक जो है प्राचीन नगर है ये। परंतु पुरातत्व यानी जो आर्कियोलॉजिकल सर्च जो करते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं, पुरातत्व के अनुसार क्या है, बसाड़ की स्थापना जो है ईसा पूर्व 6वीं सदी से पहले नहीं हुई थी। तो ये तो हो गया कंट्रोवर्सी कि कौन सही है, इसके बारे में पूरी जानकारी सही से नहीं मिल पाती है। अब ये देख लीजिए, यहाँ पे पूरा मैप में दिखाया गया है कि कौन सा जो है जनपद कहाँ है, ठीक है। यहाँ प्रमुख प्रमुख दे रखे हैं, जैसे मगध हो गया, अंग हो गया, काशी है, वत्स है, चेदी है, अवंती है, ठीक है, पंचाल है, कोसल है, मल्ल हो गए, ठीक है, मत्स्य लोग यहाँ पे रहते थे, कुरु हो गए यहाँ पे, ठीक है, और उसकी राजधानी हस्तिनापुर हो गई, ठीक है। तो आप मैप में देख लीजिए कि कौन सा कहाँ पे है, इससे क्या होगा, आपको याद रखने में चीज़ों को आसानी होगी। अस्मक आपको यहाँ मिलेगा गोदावरी नदी के तट पे, ठीक है, और महिष्मति यहाँ पे देखिए आपको मिल रहा है, यहाँ उज्जैन यहाँ पर है, ठीक है, चेदी हो गई है, कौसाम्बी यहाँ पे मिलेगा आपको, वाराणसी तो पता ही होगा आपको, वैशाली आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, वज्जी यहाँ पर हो गया, वज्जी संघ में ही जो है वैशाली था। तो यहाँ पे देख लीजिए कपिल वस्तु हो गया आपका, लुम्बिनी हो गया, कुशीनगर हो गया। तो ये सारे जो क्षेत्र आपको दिख रहे होंगे कहाँ मिलेंगे सारे आपको, तो पूर्वी मुख्य रूप से जो ये फैला हुआ है क्षेत्र क्या हो जाएगा, पूर्वी यूपी और पश्चिमी बिहार का क्षेत्र हो जाएगा ये, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, मैप को ध्यान रखिएगा कौन सी चीज़ कहाँ पे है, तो इससे चीज़ें आपको आसानी से याद हो जाएंगी। चलिए अब आगे देख लेते हैं, आगे क्या है, देखो अब इसके पश्चिम में जो है काशी जनपद था, ठीक है, जिसकी राजधानी कहाँ है, वाराणसी थी, ठीक है। तो काशी जनपद है तो उसकी राजधानी कभी भी पूछा जाए कि कौन सा होगा, तो वाराणसी उसकी राजधानी हो जाएगी। ये वर्तमान समय में जो वाराणसी का क्षेत्र है वहीं आपको मिल जाएगा। फिर राजघाट में की गई खुदाई से पता चलता है कि सबसे पुराना वास वहाँ लगभग 500 ईसा पूर्व का था, और उस समय जो है नगर मिट्टी के बांध से घिरा हुआ था, यानी कि नगर जो था पूरा नगर मान लो, तो इसको मिट्टी की जो है एक बाउंड्री यानी दीवार से पूरे नगर को घेर दिया जाता था। जान पड़ता है कि आरंभ में जो है काशी सबसे शक्तिशाली राज्य था, परंतु बाद में उसने कोसल की शक्ति के सामने क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। तो ऐसा जानने में आता है कि पहले जो है काशी बहुत ही मजबूत राज्य था, बहुत ही मजबूत जनपद था, लेकिन बाद में क्या है वो कोसल से हार गया। चलिए आगे देख लेते हैं, कोसल जनपद में जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश पड़ता था, इसकी राजधानी क्या थी, श्रावस्ती थी। अब यह नोट कर लीजिए आप कि कोसल की राजधानी कौन सी है, श्रावस्ती। तो जितने भी जनपद हैं उनकी राजधानी आप याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, एक तरफ क्या दे देगा, जनपद दे देगा, एक तरफ राजधानी दे देगा, फिर कहेगा मैच करो, मिलाओ आपस में कि कौन किसकी राजधानी है, ठीक है। तो इसलिए जो है आप इनको नोट कर लीजिए, और हमेशा एग्जाम में जो महत्वपूर्ण होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, वही पूछे जाते हैं। तो जो जो जनपद हैं यानी 16 जनपद थे टोटल, तो उसमें से जो हमको यहाँ पे इम्पोर्टेंट है वही बताए जाएंगे, तो उनकी ही राजधानी आप याद कर लीजिए। 16 की 16 याद करने की जरूरत नहीं कोई आपको, जो महत्वपूर्ण है आप वही याद कीजिए, ठीक है। अब इसकी पहचान कहाँ की गई है, तो वर्तमान समय में जो है उत्तर प्रदेश का गोंडा राज्य जो हो गया और बहराइच जिला जो हो गया, ठीक है, उसकी सीमा पर सहेत महेत स्थान से की गई है। तो यहाँ पर एक जगह है सहेत महेत, वहीं पर जो है पहले कभी कोसल जनपद था, ठीक है। खुदाई से जानकारी मिली है कि ईसा पूर्व 6वीं सदी में यहाँ कोई बड़ी बस्ती नहीं थी, लेकिन हम
वहां मिट्टी के किले की शुरुआत पाते हैं। कोसल में महत्वपूर्ण नगरी अयोध्या भी थी, ठीक है, तो वहां पे एक नगर था कोसल, जो राज्य हो गया उसमें एक महत्वपूर्ण नगर भी था, कौन था, अयोध्या, ठीक है, जिसका संबंध किससे है, राम कथा से जोड़ा जाता है। परंतु उत्खनन से पता चलता है कि 500 ईसा पूर्व के पहले यहाँ आबादी जो है नाम मात्र की थी, यानी कि ना के बराबर थी, ठीक है, बहुत ही कम रही होगी आबादी, ये सब जानकारी हमको मिलती है खुदाई से। चलिए आगे देख लेते हैं। कोसल में जो है शाक्यों का कपिल वस्तु गणराज्य भी शामिल था, तो जो कपिल वस्तु जो गणराज्य है वो भी जो है कोसल का ही क्या था, हिस्सा था। कपिल वस्तु राजधानी की पहचान जो है बस्ती जिले के पिपरहवा स्थान से की गई है। पिपरहवा जो है 500 ईसा पूर्व के पहले आबाद नहीं दिखाई पड़ता है। शाक्यों की जो है दूसरी राजधानी क्या थी, पिपरहवा से 15 किलोमीटर दूर थी, और जो क्या थी, नेपाल में लुम्बिनी, तो नेपाल में जो एक जगह का नाम है लुम्बिनी, वहां पर जो है थी इनकी राजधानी। फिर अशोक के एक अभिलेख में इसे गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहा गया था, आपने पढ़ा था बुद्ध वाले चैप्टर में, तो बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। फिर नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान में जो है बुद्ध का जन्म हुआ और उनका लालन पालन हुआ, यानी यहीं पर जो है वो पले बड़े। चलिए आगे देख लेते हैं। आप देख लेते हैं कोसल के जो है पड़ोस में, अब कोसल जो है, कोसल का हमने देख लिया जनपद को, अब कोसल के पड़ोस में था मल्लों, मल्ल, ठीक है, तो मल्लों का गणराज्य था, तो आपने पढ़ा था जब हमने देखा था कि बुद्ध की मृत्यु होती है तो मल्ल गणराज्य में ही होती है, ठीक है। इसकी सीमा क्या थी, वज्जी राज्य की उत्तरी सीमा से जुड़ी थी, यानी कि जो वज्जी साम्राज्य था जो, उसके जो उत्तर में आपको क्या मिलेगा, मल्ल मिलेंगे यहाँ पर, इधर यानी मल्ल रहते थे और इधर वज्जी संघ के लोग रहते थे, ठीक है, और इधर क्या थी, गंगा नदी थी। मल्लों की राजधानी क्या थी, कुशीनारा, तो यहीं पे तो मृत्यु हुई थी बुद्ध की, ठीक है, तो मल्ल की राजधानी क्या हो गई, कुशीनारा, तो ये भी फैक्ट आप नोट कर लीजिए कि मल्लों की राजधानी कहाँ थी, कुशीनारा में थी। फिर वही आगे भी यही लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो है बुद्ध की मृत्यु हुई थी। कुशीनारा की पहचान जो है देवरिया जिले के कसिया नामक स्थान से की गई है, यानी कि हम पूछते हैं कि वर्तमान समय में अगर बात करें कि कुशीनारा कहाँ पड़ेगा, तो वर्तमान समय में ये उत्तर प्रदेश का जो जिला है देवरिया, देवरिया जिला, वहाँ एक जगह का नाम है कसिया, तो वहाँ उस क्षेत्र को बोलेंगे हम। फिर पश्चिम की ओर की अगर बात करते हैं, यमुना के तट पर क्या मिलेगा आपको, वत्स जनपद मिलेगा, ठीक है, वत्स जनपद कहाँ पर मिलेगा आपको, यमुना के तट पर है, ध्यान रखिएगा, तो ये फैक्ट है, ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। ऐसे कुछ पूछ सकता है कि वत्स जनपद जो है, ऐसे बोल देगा, अगर स्टेटमेंट दे देगा यूपीएससी की यमुना वत्स जनपद गंगा नदी के तट पर स्थित था, तो गलत हो जाएगा, यमुना नदी के तट पर स्थित था, ये ध्यान रखिएगा। और इसकी राजधानी जो है कहाँ थी, इलाहाबाद के पास कौसाम्बी में थी, ठीक है, तो वत्स की अगर हम बात करते हैं, वत्स की राजधानी कौन है, तो कौसाम्बी, तो ये नोट कर लीजिएगा। वत्स लोग वहाँ कुरुजन थे जो हस्तिनापुर छोड़कर कौसाम्बी में आकर बसे थे, ठीक है, उन्होंने कौसाम्बी को इसलिए पसंद किया था कि वह स्थल गंगा यमुना के संगम के क्या था, नज़दीक था। जैसा कि उत्खननों से पता चलता है, ईसा पूर्व 5वीं सदी में राजधानी कौसाम्बी की मिट्टी से किलेबंदी भी की गई थी, तो यहाँ पे क्या की गई थी, किलेबंदी यहाँ पे की गई थी। तो हमें यहाँ से बस एक फैक्ट नोट कर लीजना है कि जो इनकी राजधानी किसकी कौन है, तो उसको आपको लिख लेना है। चलिए आगे हम देख लेते हैं। हमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो है प्राचीन कुरु पंचाल जनपद के अस्तित्व का भी क्या पता चलता है, परंतु उत्तर वैदिक काल की तरह अब उनका राजनीतिक महत्व क्या है, नहीं रह गया था, यानी कम हो गया था। अवंती की इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं, तो अवंती राज्य जो कहाँ मिलेगा आपको, मध्य मालवा का क्षेत्र हो गया और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती नगरों में फैला था, यानी कि अवंती कहाँ पर फैला हुआ था, जो मालवा का क्षेत्र था, मध्य मालवा का क्षेत्र था और मध्य प्रदेश के जो है सीमावर्ती नगरों में ये फैला हुआ था। इस राज्य के जो है दो भाग थे, ठीक है, उत्तर भाग की राजधानी क्या थी, उज्जैन थी, तो नोट कर लीजिए इसको कि उत्तरी भाग की राजधानी क्या थी, उज्जैन थी, किसकी, अवंती की, और दक्षिणी भाग की राजधानी कौन थी, माहिष्मती थी, तो बहुत इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया है एग्जाम में ये, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा।
फिर कह रहा है उत्खननों से पता चलता है कि ये दोनों नगर जो है ईसा पूर्व 6वीं सदी से महत्व प्राप्त करते गए, यानी कि 6वीं सदी जब आई तब जो है ये महत्वपूर्ण हो गए, और अंततोगत्वा उज्जैन ने जो है माहिष्मती को क्या कर दिया, पछाड़ दिया, यानी कि उज्जैन जो है आगे चल करके महत्वपूर्ण हो गई, महिष्मती जो है कमजोर पड़ गई राजधानी। यहाँ बड़े पैमाने पर लौह कर्म यानी कि लोहे का काम का विकास हुआ और इसकी मजबूत किलेबंदी की गई, यानी कि लोहे के हथियार वगैरह बनाने में जो है काफ़ी जो है उसने उत्कृष्टता यानी विशेषज्ञता प्राप्त की होगी। आगे हम देख लेते हैं ईसा पूर्व 6वीं सदी के आगे के भारत का राजनीतिक इतिहास इन राज्यों के बीच क्या है प्रभुत्व के, यानी कि कौन मजबूत है, कौन शक्तिशाली है, कौन किस पे राज करेगा, इसके लिए क्या है संघर्षों का इतिहास, यानी कि आपस में लड़ते रहे हैं। इसके बाद अंततः मगध राज्य सबसे शक्तिशाली बन गया, यानी कि जितने भी महत्वपूर्ण राज्य थे उनमें आपस में लड़ाई हुई और अंत में जो है ये साबित हुआ, ये परिणाम निकला कि सबसे शक्तिशाली राज्य कौन है जिसने सब पे अधिकार कर लिया, वो था मगध, ठीक है, और मगध बन गया और साम्राज्य स्थापित करने में क्या हुआ, ये सफल हुआ। चलिए आगे देखते हैं मगध साम्राज्य की स्थापना और विस्तार। अब हम देखते हैं इस में चैप्टर में कि मगध साम्राज्य का विस्तार कैसे हुआ, किसने इसकी स्थापना की थी, कैसे विस्तार हुआ, किस के साथ कौन सा युद्ध हुआ, ठीक है। तो बिंबसार के शासनकाल में जो है मगध ने जो क्या कर ली, विशिष्ट स्थान हासिल कर लिया था, तो बिंबसार का नाम जरूर याद रखिएगा, ठीक है। ऐसे पूछ सकता है कभी क्वेश्चन कि किसके टाइम पीरियड में जो है मगध साम्राज्य जो है शक्तिशाली राज्य बन गया था, तो आपका आंसर होगा बिंबिसार। और बिंबसार का जो कुल काम था तो हरियक कुल का था, बिंबसार किस कुल को बिलोंग करता था, तो हरियक कुल का था वो, तथा बुद्ध का क्या था, समकालीन था, यानी कि इसी समय जो है बुद्ध भी थे, समझ गए, समकालीन का मतलब क्या होता है, उसी समय के थे वो जिस समय जो है बुद्ध थे। उसके द्वारा जो है विजय और विस्तार की शुरू की गई नीति अशोक की कलिंग विजय के साथ समाप्त हुई, यानी बिंबसार ने स्टार्ट किया था विजय करने की नीति और विस्तार करने की, साम्राज्य के विस्तार करने की नीति, और जो आकर कहाँ ख़त्म हुई आकर के कलिंग का युद्ध आकर के, क्योंकि आपको पता है अशोक ने जो है कलिंग युद्ध के समय जो है इतना ज़्यादा वो हृदय विदारक हो गया, क्योंकि उस युद्ध में जो है बहुत ही जन की हानि हुई थी, तो उससे जो है उसका मन पिघल गया और उसने बाद में युद्ध ना करने की घोषणा की थी, ठीक है। बिंबिसार ने जो है अंग देश पर अधिकार कर लिया, तो आपने देखा था कि हमने देखा था कि मगध ने जो है अंग को अपने राज क्षेत्र में मिला लिया था, तो वही है उस समय कौन राजा था, तो बिंबिसार राजा था उस समय का मगध का, तो मगध का जो राजा था बिंबिसार ने अंग देश पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया, और इसका जो है शासन अपने पुत्र अजातशत्रु, तो बिंबिसार का बेटा का नाम क्या है, अजातशत्रु को सौंप दिया। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों से भी अपनी स्थिति को मजबूत किया, तो कभी भी स्टेटमेंट अगर आता है कि मगध साम्राज्य के विस्तार में जो है वैवाहिक यानी कि विवाह के संबंधों को महत्व दिया गया, जरूर दिया गया, सही स्टेटमेंट है ये, क्योंकि लोग जो हैं शादी कर लेते थे, जो राजा होते थे दूसरे राजा की बेटी से शादी करके जो है उनके साथ जो है वैवाहिक संबंध स्थापित करते थे और उनके अपने राज्य क्या करते थे राज्य का विस्तार करते थे, ठीक है। उसने 3 विवाह किए, तो जो बिंबिसार था उसने जो है 3 शादी की थी, उसकी प्रथम पत्नी कौन थी, कोसल राज्य की पुत्री, ठीक, कोसल राज्य की पुत्री और प्रसेनजीत की बहन थी, उसके साथ दहेज में प्राप्त काशी ग्राम से उसे 1,00,000 की आय होती थी, यानी कि दहेज में उसको क्या मिला था, काशी गांव, ठीक है, काशी गांव मिला था, तो सोच लीजिए कि दहेज प्रथा बहुत जो है भारत में बहुत पहले से ही चली आ रही है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, फिर इससे पता चलता है कि राजस्व सिक्कों में वसूल किया जाता था, ठीक है, तो 1,00,000 की आय होती थी, तो इसका मतलब क्या है, उस समय जो राजस्व था यानी कि वो सिक्के में यानी कि जो है वसूल किया जाता था, ठीक है। इस विवाह से कोसल के साथ उसकी शत्रुता क्या हो गई, समाप्त हो गई, तो मगध जो साम्राज्य था तो उसके पास में जो कोसल साम्राज्य था उसके साथ क्या किया, उसने शादी करके जो है उसके साथ जो शत्रुता थी वो क्या हो गई, समाप्त हो गई आपस में, और इससे यह संभव हो गया कि वह दूसरे राज्यों के साथ जो है निपट सके, यानी कि
अब जाहिर सी बात है कि बहुत सारे मान लो जो दुश्मन देश हैं, तो अगर इसमें से हमने इसको अगर दोस्त बना लिया तो क्या होगा, अब इससे आसानी से जो हम लड़ाई कर सकेंगे। ठीक है, उसकी दूसरी पत्नी की अगर बात करते हैं तो वैशाली की लिच्छवी, ठीक है, राजकुमारी का नाम क्या था, चलन्ना। ठीक है, तो वैशाली की जो लिच्छवी राजकुमारी थी चलन्ना, उसके साथ जो है उसने अजातशत्रु, और बाद में जो है आगे चल करके इसी ने ही जो है अजातशत्रु को जन्म दिया। तो अजातशत्रु की जो माता है वो कौन है, वो चलन्ना है। तो वही लिखा है, उसकी दूसरी पत्नी वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी चलन्ना थी, जिसने अजातशत्रु को कह दिया जन्म दिया। और तीसरी रानी कौन थी, पंजाब के मद्र, तो पंजाब तक की शादी इन्होंने की थी। तो पंजाब जाकर के वहां पर जो मद्र कुल के जो प्रधान थे उनकी पुत्री से उन्होंने क्या की थी, शादी की थी। विभिन्न राजकुलों से वैवाहिक संबंधों के कारण बिंबिसार को क्या है, बड़ी राजनीतिक प्रतिष्ठा मिली, क्योंकि अलग अलग लोगों से, अलग अलग राजकुल के लोगों से उन्होंने क्या की, शादी कर ली है। इससे क्या हुआ, उनके जो है राजनीतिक प्रतिष्ठा जो है बढ़ी इनकी। और इस प्रकार जो है मगध राज्य को जो है पश्चिम और उत्तर की ओर फैलने का क्या हुआ, मार्ग प्रशस्त हो गया। यानी पंजाब से लेकर के इधर बिहार तक जो है पूरा फैलने का जो है उनका मार्ग मजबूत हुआ, प्रशस्त हुआ। कैसे, शादी के माध्यम से। चलिए आगे देख लेते हैं, मगध की जो असली शत्रु, यानी कि मगध जो साम्राज्य था उसका जो सबसे प्रमुख शत्रु कौन था, वो था अवंती। तो अवंती कहाँ है, जो मध्य मालवा का क्षेत्र है, ठीक है, वहां। तो मगध की असली शत्रुता किससे थी, अवंती से थी, जिसकी राजधानी कौन थी, उज्जैन। हालांकि इसकी दो राजधानी थी, एक कौन थी उज्जैन और दूसरी कौन थी, माहिष्मति। और अवंती राज्य थोड़ा बड़ा था, इसको जो है उत्तर और दक्षिण में डिवाइड किया गया था, ठीक है। तो लेकिन मुख्य राजधानी कौन थी, वो उज्जैन ही हो गई थी बाद में आगे चल करके। इसके राजा कौन थे, चंड प्रद्योत। महासेन की बिंबिसार से क्या हुई थी, लड़ाई हुई थी, ठीक है, किंतु दोनों ने अंत में क्या है, दोस्त बन गए। लड़ाई हुई बाद में जो है दोस्त बन जाना ही उपयुक्त समझा, क्योंकि जो है कोई भी जीत नहीं पा रहा था एक दूसरे से, दोनों ही बहुत ही शक्तिशाली थे। बाद में जब प्रद्योत को पीलिया रोग हो गया, ठीक है, बाद में आगे चल करके जो है प्रद्योत जो राजा राजा थे यहाँ के अवंती के, उनको क्या हो गया, पीलिया हो गया। तो बिंबिसार ने जो है अवंती राज के अनुरोध पर, ठीक है, अवंती राज का मतलब प्रद्योत, ठीक है, इन राजा के अनुरोध पर जो है अपने जो है राज वैद्य, इनके एक वैद्य थे, राज वैद्य जिनको बोलते हैं, क्योंकि राजा का ये वैद्य था, ठीक है, तो उनको राज वैद्य बोलते हैं। तो जीवक था उनका नाम, जीवक। तो क्या है, उन्होंने जो है उज्जैन को, उज्जैन में इनको भेजा, अवंती राज में इनको भेजा। किसको, जीवक को। किसने भेजा था, तो बिंबिसार ने, ठीक है, इलाज के लिए, क्योंकि उनको पीलिया हो गया था प्रद्योत को, तो उनके इलाज के लिए जो है जीवक को यहाँ पर भेजा गया था। फिर गांधार के राजा के साथ हुए युद्ध में जो है प्रद्योत को, अब क्या हुआ, इसके बाद जो है गंधार के राजा के साथ हुए युद्ध में प्रद्योत को क्या हुआ, विजय नहीं मिली थी, ठीक है, गंधार के साथ जो हुआ था। किंतु गंधार के इसी राजा ने जो है बिंबिसार के पास एक पत्र और दूत मंडल भेजा था। इस प्रकार क्या है, विजय और कूटनीति से जो है बिंबिसार ने जो है मगध को ईसा पूर्व 6ठी सदी में सबसे अधिक शक्तिशाली राज्य बना दिया था। बताया जाता है कि उसके राज्य में 80,000 गांव थे, पर यह संख्या अतिरंजित मालूम पड़ती है, यानी कि बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बताई हुई मालूम पड़ती है कि उसके राज्य में 80,000 गांव हुआ करते थे, ठीक है। मगध की पहली राजधानी क्या थी, राजगीर में थी, ठीक है। तो धाम कहेगा कि मगध की राजधानी अगर पूछता है कोई कि हमने सबकी राजधानी पढ़ ली, हमने अवंती की पढ़ ली, वत्स की पढ़ ली, कोसल की पढ़ ली, वैशाली की पढ़ ली, तो अगर हमसे पूछा जाता है कि मगध की राजधानी क्या थी, तो राजगीर थी, ठीक है, पहली राजधानी। उस समय इसे गिरिव्रज कहते थे, यानी कि जो इसका नाम क्या था, गिरिव्रज। तो नाम नोट कर लीजिएगा, यह स्थल पांच पहाड़ियों से घिरा हुआ था। तो पांच तरफ से जो है पहाड़ियों से घिरा हुआ था, और उनके खुले भागों को जो है पत्थर की दीवारों से चारों ओर से घेर दिया गया था। इस तरह राजगीर क्या था, अभेद्य दुर्ग था, यानी कि किला। तो यानी कि राजगीर में घुसना आसान नहीं था, बहुत ही टफ था, क्योंकि पहाड़ियों से मुख्य रूप से क्या था, घिरा हुआ था। आप देख लेते हैं, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार जो है बिंबिसार ने
जो मगध का राजा था, ने लगभग 544 से लेकर के 492 ईसा पूर्व तक क्या है 52 साल शासन जो है किया उन्होंने, ठीक है, लगभग 52 ईयर्स तक जो है उन्होंने क्या किया शासन किया। उसके बाद जो है उसका पुत्र आया, उसका नाम क्या था, अजातशत्रु था, वो सिंहासन पर बैठा। अजातशत्रु ने जो है अपने पिता की हत्या करके जो है सिंहासन पर क्या किया कब्जा किया था। तो देखिए अजातशत्रु जो है अपने पिता बिंबिसार को मारेंगे और फिर अजातशत्रु का बेटा होता है उदयन, वो अजातशत्रु को मार देगा, ठीक है। उसके शासनकाल में बिंबिसार राजकुल का वैभव अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था, यानी कि जो अजातशत्रु के टाइम पर जो है जो जो राजकुल था यानी मगध साम्राज्य के जो है अपने चरमोत्कर्ष यानी सबसे उत्कृष्ट स्थान में पहुंच गया था। उसने 2 लड़ाइयां लड़ी थी और तीसरी के लिए क्या कर रहा था, तैयारियां कर की थी उसने। अपने समूचे शासनकाल में उसने विस्तार की आक्रामक नीति से काम लिया। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जो अजातशत्रु जो है हमेशा जो है विस्तार की जो नीति थी उसकी कैसी थी, वो आक्रामक थी, ठीक है, शांतिपूर्वक नहीं थी, ध्यान रखिएगा। इस कारण जो है काशी और कोसल ने मिलकर उसका मुकाबला किया, ठीक है। मगध और कोसल के बीच लंबे समय तक क्या संघर्ष जारी रहा। देखो पहले क्या था, बिंबिसार ने तो इनके साथ जो है अपने रिश्ते स्थापित किए थे, ठीक है, लेकिन अजातशत्रु के समय क्या हुआ, ये फिर से युद्ध इनके बीच होने लगा था, ठीक है। अंत में क्या है, अजातशत्रु की लेकिन विजय हुई। कोसल नरेश को अजातशत्रु के साथ अपनी पुत्री का ब्याह करने और अपने जमाई को काशी सौंप कर सुलह करने के लिए क्या हो विवश होना पड़ा, ठीक है। फिर देख लेते हैं, अजातशत्रु ने रिश्तेदारी को कोई लिहाज नहीं किया, यानी कि इन्होंने कोई महत्व नहीं दिया, ठीक, बिंबिसार देता था लेकिन ये इनको कोई महत्व नहीं देते थे अजातशत्रु ने, ठीक है। यद्यपि उसकी क्या थी, माता जो थी वो लिच्छवी कुल की राजकुमारी थी, ठीक है, फिर भी उसने वैशाली पर क्या कर दिया, उसने हमला कर दिया। बहाना यह ढूंढा कि लिच्छवी जो है कोसल के मित्र हैं, ठीक है, उसने लिच्छवियों में फूट डालने के लिए षड्यंत्र रचा और अंत में उन पर क्या कर दिया, हमला करके उन्हें हराया और उनको उनके स्वतंत्र को यानी कि उनकी स्वतंत्रता को क्या कर दिया, नष्ट कर डाला। फिर वैशाली को नष्ट करने में उसे 16 साल का लंबा अरसा लगा, यानी कि इतने लंबे समय में जाकर के उसको जो है नष्ट कर पाया, उसकी शक्तियों को कमजोर कर पाया वो। अंत में उसे इसलिए सफलता मिली कि उसने पत्थर फेंकने वाले एक युद्ध यंत्र का इस्तेमाल किया, ठीक है। तो युद्ध एक पत्थर फेंकने वाला युद्ध यंत्र बनाया था, ठीक है, उस समय विकास हुआ था, उसका इस्तेमाल जो है युद्धों में किया उसने, किसने, अजातशत्रु ने। उसके पास यानी अजातशत्रु के पास एक ऐसा रथ था जिसमें गदा और हथियार जुड़ा हुआ था, ठीक है, इससे के युद्ध में लोगों को बड़ी संख्या में मारा जा सकता था। इस प्रकार जो है काशी और वैशाली को मिला लेने के बाद मगध के साम्राज्य का और अधिक विस्तार हो गया, ठीक है। तो यानी पूरा जो है मगध साम्राज्य जो है बहुत ही ज़्यादा क्षेत्र में फैल गया था, और ये किसके समय की बात है, तो अजातशत्रु के समय की ये बात है, ठीक है। अजातशत्रु के जो है प्रतिद्वंदियों में जो है अवंती का शासक सबसे अधिक शक्तिशाली था। अवंती के राजाओं ने जो है कौसाम्बी के वत्सों को हराया था और अब वे जो है मगध पर हमला करने की क्या कर रहे थे, धमकी दे रहे थे। इसी खतरे का सामना करने के लिए जो है अजातशत्रु ने राजगीर की क्या की थी, किलेबंदी की थी, ठीक है। तो कोई राजा का अगर हमला होने वाला है तो वो क्या करेगा, राजा जो है अपने किले के मजबूती के लिए ध्यान देगा, ठीक है। वही लिखा हुआ, किलेबंदी की दीवारों के अवशेष आज भी देखने को मिलते हैं, यानी अभी तक जो है उसके अवशेष बचे खुचे पार्ट जो हैं दिखाई देते हैं। परंतु अजातशत्रु के जीवन काल में अवंती को जो है मगध पर हमला करने का अवसर नहीं मिला। अजातशत्रु के बाद कौन इनका आएगा, बेटा उदयन आएगा, ठीक है, मगध की राजधानी राजगद्दी पर बैठा। उसके शासन की महत्वपूर्ण घटना यह है कि उसने पटना में जो है गंगा और सोन के संगम पर एक किला बनवाया। तो कभी भी अगर आपसे पूछा जाता है कि जो पटना में जो है गंगा और सोन नदी के संगम पर जो किला बनवाया था किसने बनवाया था, तो किसने बनवाया था, उदयन, जो कि अजातशत्रु का बेटा था और उसने जो है अजातशत्रु को मार करके गद्दी को हासिल किया था। इसके कारण यह पटना था, यह
इसका कारण यह था कि पटना जो है मगध साम्राज्य के केंद्र भाग में पड़ता था। मगध का जो है साम्राज्य अब उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में जो है छोटा नागपुर की पहाड़ियों तक फैल गया था। ठीक है, तो ये जो है मगध का क्या है पूरा एरिया है कि कहाँ से कहाँ तक फैल गया था। पटना की स्थिति जैसा कि आगे पता चलेगा, पटना की स्थिति बहुत ही अच्छी थी। ठीक है, वो तो इसलिए जो है क्या करेगा वो उसको जो है सामरिक दृष्टि से जो है उसकी बहुत महत्वपूर्ण था। ठीक है, इसीलिए वहां पे जो है गंगा और सोन नदी के पास जो है उन्होंने किला बनवाया था। किसने? उदयन ने। फिर उदयन के बाद जो है शिशु नागों के वंश का शासन शुरू हुआ। तो जब ये हर्यक वंश खत्म हो गया, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? उदयन था। उसके बाद जो नया स्टार्ट होता है वंश कौन आता है? वो शिशु नाग आता है। ठीक है, शिशु नाग वंश का जो है शासन प्रारंभ होता है। वे राजधानी को कुछ समय के लिए कहाँ ले गए? वैशाली ले गए। अवंती जिसकी राजधानी क्या थी? उज्जैन थी। की शक्ति को तोड़ देना उनकी क्या थी? सबसे बड़ी उपलब्धि थी। किसकी? जो शिशु नाग वंश थे। ठीक है, शिशु नाग वंश की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? उन्होंने जो है अवंती को जो है कमजोर कर दिया था। इसके साथ ही अवंती और मगध के बीच की 100 साल पुरानी क्या हो गई? शत्रुता का अंत हो गया, यानी समाप्त हो गई। इसके बाद अवंती राज्य मगध साम्राज्य का क्या बन गया? हिस्सा बन गया और मौर्य साम्राज्य के अंत समय तक क्या है? बना रहा। ठीक है, तो ये अवंती को जो है शामिल कर लिया गया था मगध साम्राज्य में। अब देखिए, शिशु नागों के बाद जो है शिशु नाग वंश के बाद कौन सा आता है वंश? नंद वंश आता है। ठीक है, तो नंदों का शासन शुरू हुआ। ये मगध के सबसे शक्तिशाली शासक सिद्ध हुए नंद वंश के लोग जो थे। इनका शासन जो है इतना शक्तिशाली था कि सिकंदर ने जो उस समय पंजाब पर हमला कर चुका था, तो आपने पढ़ा ही होगा सिकंदर जो बहुत ही विश्वविख्यात था, विश्व विजेता जिसको माना जाता है सिकंदर को। ठीक है, उसने क्या था, जब नंद शासक शासन चल रहा था, नंदों का शासन चल रहा था यहाँ पे मगध में, तब जो है पंजाब पर इसने क्या कर दिया था? हमला कर दिया था। ठीक है, और पूर्व की ओर बढ़ने की हिम्मत नहीं की, यानी कि यहाँ पंजाब हो गया, यहाँ पे आ गया था, हमला कर दिया। आनंद शासक यहाँ पे राज कर रहे थे, इतना मजबूत शासन था तो ये आगे नहीं बढ़ पाए थे ऐसा माना जाता है। नंदों ने जो है कलिंग को जीत कर मगध की शक्ति को बढ़ाया। तो कलिंग का क्षेत्र कहाँ मिलेगा? जो आपका उड़ीसा का क्षेत्र है, तो नंद वंश के लोगों ने उसको भी क्या कर लिया था? अपने साम्राज्य में मिला लिया था, यानी जीत लिया था उसको। विजय स्मारक के रूप में वे कलिंग से क्या है, जिन की मूर्ति को उठा लाए थे। देखिए, जो कलिंग शासक था, जो उड़ीसा में शासन कर रहा था राजा, वो क्या था, जैन धर्म को का अनुयायी था। ठीक है, तो जैन धर्म में अपने पढ़ा होगा जिन क्या होता है। ठीक है, तो उनकी मूर्ति को क्या कर लिया था, उठा लाया था। कौन? जो नंद शासक थे। ठीक है, ये सभी क्या था, बातें महापदम नंद के शासन काल में घटित हुई थी। नंद शासक में, शासक का नाम है नंद वंश के जो राजा थे, क्या नाम था उनका? महापदम नंद। ठीक है, उन्हीं के टाइम की, यानी उन्होंने ही जो है कलिंग पर हमला किया और वहां से जिन की मूर्ति उठा लाए कि दिखाने के लिए कि हमने वहां पर जीत लिया है। ठीक है, उसने अपने को एक राट कहा। तो एक राट की उपाधि किसने ली? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। एक राट की उपाधि महापदम नंद ने ली थी। ठीक है, जान पड़ता है कि उसने ना केवल कलिंग पर कब्जा किया बल्कि उसके खिलाफ विद्रोह करने वाले कोसल को भी हथिया लिया। तो कोसल जो है वो भी जो है मगध पे जो क्या कर रहा था, विद्रोह कर रहा था मगध के खिलाफ, तो उसने उसको भी क्या कर लिया, हथिया लिया, यानी उस पर भी कब्जा कर लिया। चलिए आगे देखते हैं। अब नंद शासक जो था, नंद शासक परम धनी और शक्तिशाली थे, यानी नंद शासक बहुत ही पैसे वाले थे और बहुत ही शक्तिशाली थे। कहा जाता है कि इनकी सेना में 2 लाख, ठीक है, 2 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़, हजार, 10,000, लाख, 2 लाख पदाती यानी पैदल चलने वाले, 20,000 घुड़सवार यानी घोड़ा चलाने घोड़े के ऊपर जो सवार रहते थे, 3,000 से लेकर के 6,000 तक हाथी थे। इतनी विशाल सेना का रख रखाव अच्छी खासी प्रभावी कर संग्रह प्रणाली द्वारा ही क्या है, संभव है। जो भी हो, नंदों पर चढ़ाई करने की सिकंदर को हिम्मत नहीं हुई, यानी कि इतनी विशाल सेना को देख करके वो डर गए होंगे ऐसा माना जाता है। बाद के नंद शासक कैसे थे? वो दुर्बल थे यानी कमजोर थे और अलोकप्रिय, यानी जनता के बीच भी
वो लोकप्रिय नहीं हुए, ठीक है। उनके शासन के स्थान पर जो है मगध में मौर्य वंश का शासन स्थापित हुआ। अब यहाँ पर आएंगे चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि क्या करेंगे, नंद वंश के शासक को हटा करके मौर्य शासन को स्टार्ट करेंगे। किसकी सहायता से? चाणक्य के सहायता से, ठीक है। तो चाणक्य को आपने सुना ही होगा, इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है उनका, ठीक है। तो वही लिखा, मौर्यों के शासन काल में मगध का वैभव जो है अपने शिखर पर पहुंच गया, यानी सबसे ऊपर टॉप पे पहुंच गया, ठीक है। कभी पूछा है कि मगध का जो है वैभव अपने शिखर पर कब पहुंच गया, किसके शासन काल में पहुंचा, तो मौर्य काल में पहुंच गया। चलिए मगध की सफलता के कारण को देख लेते हैं कि मगध सफल क्यों रहा, ऐसा क्या था कि मगध जो है इतना सफल हो गया, इतना आगे निकल गया। तो मौर्यों के उत्थान के पहले की दो सदियों में, यानी कि मौर्य काल के आने से पहले दो सदी, यानी 200 वर्ष में जो है मगध के साम्राज्य के विकास का दौर समकालीन ईरानी साम्राज्य के दौर के समान रहा। जैसे ईरान में जो है साम्राज्य का विकास हुआ, ऐसे ही जो है यहाँ पर भी जो है साम्राज्य का विकास हुआ। इस काल में जो है भारत में सबसे बड़े राज्य की स्थापना बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्म नंद जैसे कई साहसी और महत्वाकांक्षी शासकों के प्रयासों से हुई थी। आपने देखा ही अभी, ठीक है। इन्होंने जो है अच्छे या बुरे हर उपाय से अपने राज्यों का क्या किया, विस्तार किया और उन्हें मजबूत बनाया। परंतु मगध के विस्तार का यही एक कारण नहीं था, ठीक है। यानी कि केवल राजा के शक्तिशाली होने से कुछ नहीं होता है, ठीक है, अन्य कारक भी होते हैं। वहां पे क्या क्या संसाधन है, क्या उपलब्ध है उस क्षेत्र में, ठीक है। कुछ और महत्वपूर्ण कारक भी थे, जैसे लौह युग में मगध की भौगोलिक स्थिति बड़ी उपयुक्त थी, यानी बहुत ही अच्छी थी, क्योंकि लोहे के जो समृद्ध भंडार जो है मगध की आरंभिक राजधानी राजगीर से बहुत दूर नहीं थे। यानी कि लोहा उस समय का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण धातु थी, तो अगर लोहा आसपास के क्षेत्र में है तब तो वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा ना राजा के लिए, ठीक है। कि लोहे से क्या बनेंगे, औजार बनेंगे, हथियार बनेंगे, ठीक है। समृद्ध लोहे खनिज के भंडार समीप ही सुविधा से उपलब्ध होने के कारण मगध के शासक अपने लिए प्रभावशाली हथियार तैयार कर सके। उनके विरोधी ऐसे हथियार आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते थे। लोहे की खाने पूर्वी मध्य प्रदेश यानी कि पूर्वी मध्य प्रदेश में भी थी, ठीक है, जो उज्जैन राजधानी वाले अवंती राज्य से अधिक दूर नहीं थे। इसीलिए जो है अवंती राज्य भी क्या था, वो भी शक्तिशाली था, ठीक है। फिर आगे दे रखा है, 500 ईसा पूर्व के आसपास उज्जैन में निश्चय ही लोहे को गलाने और तपाकर ढालने का भी काम होता था। यानी वहां पर भी जो है लोहे को गलाने और जो है हथियारों को बनाया जाता था, ठीक है। वहाँ के जो लोहार संभवतः बहुत अच्छी किस्म के हथियार तैयार करते थे, यानी कहाँ के, अवंती के लोग जो थे। यही कारण है कि उत्तर भारत की प्रभुत्ता के लिए अवंती और मगध के बीच कड़ा संघर्ष हुआ, क्योंकि दोनों ही मजबूत थे, ठीक है। दोनों के पास लोहा के और लोहे के मजबूत अच्छे औजार थे। उज्जैन पर कब्जा करने में जो है मगध को लगभग 100 साल का समय लग गया, यानी कि इतना लंबा समय लग गया। उसका कारण यही था क्योंकि दोनों ही जो है बहुत ही मजबूत और शक्तिशाली राज्य थे। चलिए आगे देखते हैं, मगध के लिए जो है कुछ और भी जो है अनुकूल परिस्थितियां थी। कौन कौन सी? मगध की जो दोनों राजधानियां, पहले राजधानी कौन थी, राजगीर थी, और दूसरी कौन सी थी, पाटलिपुत्री थी। सामरिक दृष्टि से यानी स्ट्रेटेजिक, ठीक है, पॉइंट से जो है परम महत्वपूर्ण स्थानों पर थी, यानी बहुत ही अच्छी जगह पर थी। राजगीर की खास बात की वो 5 पहाड़ियों की श्रृंखला से घिरा था, इसलिए वह दुर्भेद था, यानी कि उसको कोई भेद नहीं सकता था, उस किले के अंदर कोई जा नहीं सकता था बिना राजा की परमिशन के। तोपों का आविष्कार बहुत बाद में हुआ। उन दिनों राजगीर जैसे दुर्गों को तोड़ना, दुर्ग मतलब किला को तोड़ना आसान काम नहीं था। ईसा पूर्व 5वीं सदी में मगध के शासक अपनी राजधानी पाटलिपुत्र ले गए। बाद में क्या है, मगध के जो शासक थे अपनी राजधानी कहाँ लेके गए, पाटलिपुत्र ले आए। केंद्र भाग में स्थित इस स्थल के साथ सभी दिशाओं में जो है संचार संबंध स्थापित किए जा सकते थे, यानी यहाँ पर जो है सभी दिशाओं में जो है आसानी से जो है कम्युनिकेशन जो है सिस्टम डेवलप कर सकते थे वो। फिर पाटलिपुत्री की बात करते हैं, तो पाटलिपुत्री जो है कहाँ, गंगा, गंडक और सोन नदियों के संगम पर था।
तो पाटलिपुत्र से समझ सकते होंगे जहां वर्तमान समय में जो पटना का जो क्षेत्र है वहां की बात हो रही है, ठीक है। और पाटलिपुत्र से थोड़ी दूर पर घाघरा नदी भी गंगा से मिलती थी। प्राक औद्योगिक दिनों में जब यातायात में बड़ी कठिनाइयां थी, यानी कि उस समय की जो बात है जब यातायात करने में क्या थी, कठिनाइयां थी, नदी मार्गों को पकड़ करके ही सेना जो है उत्तर पश्चिम दक्षिण और पूर्व की ओर आगे बढ़ती थी, यानी नदियों के माध्यम से जो है सेनाएं जो है चारों दिशाओं में आगे बढ़ती थी। इसके अलावा लगभग चारों ओर से नदियों द्वारा घिरे होने के कारण पटना की स्थिति क्या थी, अभेद्य थी, ठीक है, यानी कि उसको भी जो है कोई बिना राजा के परमिशन के अंदर नहीं जा सकता था। सोन और गंगा इसे पश्चिम और उत्तर की ओर से क्या हुए थे, घेरे हुए थी। तो पुनपुन नदी है, ठीक है, पुनपुन जो है दक्षिण और पूर्व की ओर से इसको घेरे हुए थी। इस प्रकार जो है पाटलिपुत्र जो है सही मानने में एक जल दुर्ग था। जल दुर्ग का मतलब समझ गए होंगे, जो जल से आसपास से घिरा हुआ हो, ठीक है। उन दिनों इस नगर पर कब्जा करना आसान नहीं था, तो जाहिर सी बात कोई अगर क्षेत्र है वो चारों तरफ से नदियों से अगर घिरा हुआ है तो उस तक पहुंचना आसान नहीं था उस समय में। चलिए अब आगे देख लेते हैं। मगध राज्य जो है मध्य गंगा के मैदान के मध्य भाग में पड़ता था। इस परम उर्वरक, यहाँ पे क्या था, बहुत ही ज्यादा उर्वरक प्रदेश था ये, यानी बहुत ही अच्छी मिट्टी थी यहाँ की, से जंगल साफ हो चुके थे क्योंकि लोहे के औजार थे उनसे काट डाला गया जंगल को। भारी वर्षा होती थी यहाँ पर, इसलिए सिंचाई किए बिना भी क्या है इलाके को उत्पादक बनाया जा सकता था। प्राचीन बौद्ध ग्रंथों से पता चलता है कि इस प्रदेश में अनेक प्रकार के क्या होते चावल पैदा होते थे, क्योंकि बारिश होती थी अच्छी खासी यहाँ पर, तो यहाँ पर चावल का क्या कहता उत्पादन किया जाता था। प्रयाग से पश्चिम के क्षेत्र की अपेक्षा यह प्रदेश कहीं अधिक उपजाऊ था, ठीक है। तो प्रयाग यानी कि जो प्रयागराज है वर्तमान समय का इलाहाबाद, उसके पश्चिम के क्षेत्र से यह प्रदेश क्या है अधिक उपजाऊ है। इसके परिणामस्वरूप क्या हुआ, यहाँ के जो किसान थे वो क्या हो गए, धनी हो गए होंगे, मतलब अधिक उत्पादन करते होंगे उन अनाज का, ठीक है, ज़्यादा अनाज उत्पादन करते थे और भरण पोषण के बाद ही उनके पास अनाज बचता था। शासक कर के रूप में इस फाजिल, फाजिल का मतलब जो बचा हुआ अनाज है, उपज को एकत्र कर लेते थे, यानी टैक्स के रूप में जो राजा होता था उनको देना पड़ता था। किसान किसान जो है अपना जो बचा हुआ जो अनाज होता था वो क्या टैक्स के रूप में राजा को देता था, जिसे को क्या बोलेंगे, फाजिल। मगध के शासकों ने जो है नगरों के उत्थान और धातु के बने सिक्कों के प्रचलन से भी लाभ उठाया, ठीक है। पूर्वोत्तर भारत में जो है व्यापार वाणिज्य की वृद्धि के कारण शासक अब जो है वाणिज्य वस्तुओं पर चुंगी लगा सकते थे, यानी कि टैक्स, और इस प्रकार अपनी सेना के खर्च के लिए धन एकत्र कर सकते थे। अगर देखो राजा है कोई, उसको सेना रखनी है बहुत बड़ी, तो उसको क्या चाहिए, पैसे चाहिए। अब पैसा कहाँ से आएगा, टैक्स के माध्यम से, राजस्व, ठीक है। तो टैक्स के माध्यम से जो है पैसा आता था राजा के पास। फिर सैनिक संगठन के मामले में जो है मगध को एक खास सुविधा प्राप्त थी। भारतीय राज्य घोड़े और रथ के उपयोग से क्या थे, भली भांति परिचित थे, किंतु मगध ही पहला राज्य था जिसने अपने पड़ोसियों के विरुद्ध जो है युद्ध में हाथियों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। तो इनके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में हाथी थे, इसका भी उन्होंने क्या था अपने युद्ध में इस्तेमाल इसका किया था। देश के पूर्वांचल से मगध के जो है, तो देश में जो है पूर्वांचल के मगध के शासकों के पास हाथी पहुंचते थे, यानी पूर्वांचल से जो है वहां पे हाथी लाए जाते थे। फिर यूनानी स्रोतों से ज्ञात होता है कि नंदों की सेना में 6000 हाथी थे, ठीक है। दुर्गों यानी किलों को तोड़ने यानी भेदने में तथा सड़कों से और अन्य यातायात सुविधाओं से रहित प्रदेशों में और कछाड़ी क्षेत्रों में, यहाँ पे यानी दलदली हल्का होता था, ठीक है, कछाड़ी क्षेत्रों में कूच करने में हाथियों का क्या था इस्तेमाल किया जा सकता था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ कि अंत में यह उल्लेखनीय है कि मगध का जो है समाज क्या था, रूढ़ी विरोधी था। कट्टर ब्राह्मण यहाँ सब बसे हुए किरात और मगध लोगों को क्या कहते थे, निम्न कोटि के समझते थे, ठीक है। तो जो यहाँ पे जो कट्टर ब्राह्मण थे यहाँ, ठीक है, यहाँ जो बसे हुए किरात लोग थे, किरात और मगध के लोगों को निम्न कोटि का समझते थे, ठीक है।
परंतु वैदिक लोगों के आगमन से यहाँ क्या हुआ, जातियों का सुखद मिश्रण हो गया। चूंकि इस प्रदेश का क्या वैदिकीकरण हाल में हुआ था, इसलिए पूर्व काल से ही वैदिक प्रभाव में आए हुए राज्यों की अपेक्षा जो है मगध में विस्तार के लिए क्या उत्साह अधिक था। तो ये भी एक रीजन था कि क्यों मतलब मगध का विस्तार हुआ, मगध राज्य इतना शक्तिशाली कैसे हो गया, ठीक है, क्योंकि उसका हाल ही में जो क्या वैदिकीकरण हुआ था। इन्हीं सब कारणों से क्या हो, मगध दूसरे राज्यों को हराने में और भारत में प्रथम साम्राज्य स्थापित करने में क्या हुए, सफल हुए। ठीक है, तो ये रहा पूरा चैप्टर, और इसमें जो बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, तथ्य थे, मैंने उनको हाईलाइट कर दिया है। बाकी आपको पूरा चैप्टर समझा दिया है आसान भाषा में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक बटन दबा देना, ठीक है, साथ में कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा आपको वीडियो हमारा, पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, ठीक है, और बताइए कि क्या आपको लगता है कि इस तरह से आपके एग्ज़ाम में कोई फ़ायदा मिलेगा, आपको हेल्प मिल रही है या नहीं, इसको भी बताइएगा, ठीक है। तो चलिए आज का चैप्टर फिर यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो है आपको जो है नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड किया जाएगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।